नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। जहां दोस्तों महाराष्ट्र में अब बनने जा रही है जुगाड़ की सरकार, लेकिन कैसे बनेगी महाराष्ट्र में सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आज खुलकर बोले हैं अमित शाह। जहां दोस्तों अमित शाह ने यहां पर क्लियर कर दिया है। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर कह रही कि हम रेस से बाहर नहीं हुई है और कहीं ना कहीं कर्नाटक तर्ज पर वो बनाएंगे यहाँ पर सरकार। कैसे बनेगी सरकार, आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन अमित शाह क्या बोले हैं, जहां दोस्तों अमित शाह का फैसला बड़ा फैसला है और अगर यहाँ पर शिवसेना की जो शर्त है उसको मानने से साफ इंकार यहाँ पर कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि हमने जो है किसी भी प्रकार का इस तरह से वादा नहीं किया था जिस प्रकार से शिवसेना ने यहाँ पर कहा है। तो शिवसेना बीजेपी में फिलहाल यहाँ पर टकराव जारी है, लेकिन यहाँ पर जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में अब कर्नाटक की तर्ज पर बनने जा रही है सरकार। कैसे बनेगी सरकार, आंकड़े आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के लिए मौजूदा बहुमत की बात करें तो 145 बहुमत, क्योंकि 288 सीटों वाले विधानसभा सीटें यहां से आती हैं। और अगर यहां पर बात करें तो बीजेपी के पास 105 सीटें अपनी हैं और निर्दलीय व छोटे दलों को अगर देखें तो 29 सीटें उनको मिली। ऐसे में अगर 29 सीटें यहां पर बीजेपी को मिला दें, लेकिन सभी जो निर्दलीय छोटे दल हैं वो बीजेपी के पास आने में असमर्थ है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि 15 यहां पर निर्दलीय छोटे दल के जो विधायक हैं वो बीजेपी के पास आ जाते हैं। तो ऐसे में जो आंकड़ा है वो 120 हो जाता है। 120 से काम नहीं बनता है, लेकिन काम कुछ ऐसा यहाँ पर करने जा रही है बीजेपी। देखिए आप, यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की तरफ से जो भी यहाँ पर विधायक अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, 49 विधायक अगर इस्तीफा देते हैं, तो फिर जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बहुमत का 120 बनता है, जो संभव है। क्योंकि कर्नाटक में कुछ ऐसा ही हुआ था, विधानसभा सीटें अब 239 बचती हैं और इसके लिए बहुमत बीजेपी के पास 120 हो जाता है। ये आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। तो बहुमत का आंकड़ा 120 हो जाता है, मतलब बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है बिन शिवसेना के। ये आंकड़े यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक से भी बड़ी खबर है कि कर्नाटक के आयोग एमएलए को बड़ी यहाँ पर खुशखबरी है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और सभी 17 आयोग एमएलए बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये कर्नाटक की बड़ी खबर है। अगर महाराष्ट्र की तस्वीर फिलहाल आपको दिखाएं तो महाराष्ट्र में बिन बीजेपी के सरकार के भी आंकड़े यहाँ पर सामने निकल कर आ रहे हैं। अगर शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस की 44 यहाँ पर सीटों को मिला दिया जाए तो फिर जो कुल आंकड़ा है वो 154 हो जाता है। बहुमत से काफी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर शिवसेना की सरकार बन सकती है। लेकिन क्या शिवसेना को समर्थन एनसीपी कांग्रेस देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। एनसीपी की तरफ से बड़ी शर्त है कि 2.5 साल के लिए एनसीपी की तरफ से सीएम होंगे। इसके अलावा शिवसेना की तरफ से 2.5 साल के लिए सीएम और कांग्रेस को डिप्टी यहां पर सीएम बनाया जा सकता है। ऐसे सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपकी जानकारी के लिए, पता होगा आपकी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन है। 6 महीने तक का समय है किसी भी पार्टी को कि जिसके पास 145 का बहुमत आता है सरकार इसकी बन सकती है। आने वाली जानकारी के नोटिफिकेशन मिले इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी इन 6 महीने के भीतर, या दोबारा चुनाव होंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।